नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीबी न्यूज़ और मैं कुमार बिट्टू। अभी हम बनियापुर प्रखंड के सारिया पंचायत के चतुर्भुज ग्राम में स्थित है, जहां पर भारतीय अखिल गोंड आदिवासी संघ का अखिल भारतीय गोंड संघ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए हम पूछते हैं आयोजनकर्ता से। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम जगजीवन नायक हुआ जी। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ शाखा सारण के द्वारा ये आपका वन देवी पूजा महोत्सव का कार्यक्रम किया गया है और इसका मेन उद्देश्य ये रहा है कि जो जंगल वन जो क्षेत्र है इसमें जो हमारे आदिवासी रहते आए हैं, निवासरत रहे हैं, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए वन देवी की पूजा करते बराबर आए हैं। अब आज सर ये वन देवी का पूजा कितने वर्षों से चल रहा है? ये वन देवी का पूजा तो आजीवन चल रहा है, शुरू से चल रहा है, लेकिन समतल क्षेत्र में अब ये प्रारंभ हुआ है। चूँकि जैसे जैसे लोगों की जानकारी हो रही है, जैसे जैसे लोगों को अपने इतिहास के बारे में अवगत हो रहे हैं, उस इतिहास के क्रम में ये अपनी पृष्ठभूमि को उजागर कर रहे हैं। आइए हमारे समक्ष बनियापुर प्रखंड के उप प्रमुख संजय राम जी है जी, इनसे भी दो सवाल पूछे। सर आप हरियाली के बारे में क्या कहेंगे? जल जीवन हरियाली, ये जल जीवन हरियाली जो है जो हमारे सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जहाँ तक मेरी समझ है कि ये बहुत वर्षों से ये समाज आदिवासी समाज जो है उसका रक्षक रहा है और आज उसी सोच पर हमारी सरकार जो जल जीवन हरियाली पर काम कर रही है, हमको समझ है कि हमारे जल जीवन हरियाली पर इन्हीं लोगों के बदौलत आज सरकार काम कर रही है और ये पूर्वज भी आदिवासी समाज का इसका रक्षक रहा है। तो ये जो आदिवासी समाज है सदियों से प्राकृतिक का सेवा करते आया है और ये जो वन देवी का पूजा होता है मेरे समझ से प्राकृतिक का ही पूजा है। सर ये अभी जो बात हुआ था कि जनगणना, जनगणना के ऊपर आप कुछ दो शब्द कहिए। जी हाँ, बड़े हर्ष की बात है कि आज हम सब लोग वन देवी की महोत्सव में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर हम आदिवासी समाज को अपने तरफ से यह तोहफा के रूप में देना चाहेंगे और गाइडलाइन के रूप में भी देना चाहेंगे कि अभी सामने जो जातीय जनगणना होने जा रही है इसमें बहुत सारी पार्टियाँ जो है इसका विरोध भी कर रही है, लेकिन मैं आह्वान करना चाहूँगा अपने आदिवासी समाज के लोगों से कि जनगणना जो हो रही है जातीय जनगणना, इसमें सजग हो कर के और जनगणना का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग टीम वाइज जो घूम घूम करके और गोंड जाति का जनगणना और धर्म पर विशेष जोर दे करके और कराने का काम हम लोग करेंगे। सर ये गोंड आदिवासी जाति का संगठन कब हुआ था? मैं अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिहार इकाई। गोंड इस जाति का संगठन कब हुआ? इस जाति का संगठन बहुत पहले से हुआ है, जब संविधान बना उसी समय कालम 10 पर गोंड का जो है नामांकित है। तो इसका संगठन जो अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का है सन 2000 में हुआ, वो जो दिल्ली से इसका रजिस्ट्रेशन है। और मैं इस पत्रकारिता के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आदिवासियों की संख्या बिहार में बहुत काफ़ी है, जिसमें थारू, राम, मुंडा, उड़िया, किसान हो और अब बीच में लोहार और थारू को जोड़ दिया गया। कौन कौन से जाति आता है इसमें? 32 जातियां हैं जो बिहार में कुछ खास जाति हैं, जैसे एक नंबर पर आपके गोंड है, खरवार है, थारू है, उराव है, मुंडा है, इस हो है, इस तरह करके हैं, लेकिन सबसे एक नंबर पर जो है गोंड आदिवासी है। साथ ही साथ मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारी जनसंख्या होने के बाद भी आज हमारे बच्चों को शिक्षा में जो असुविधा हो रही है कि शिक्षा में भी 1% लाया जा रहा है, अगर 99 बहाली निकाल दिया जाए, 99 बच्चों को अगर अदर को लिया जाए और 100 नहीं पूरा हो तो हमारे एक बच्चे का भी एडमिशन नहीं होगा। इसी तरह हमारे हर जगह अभी ग्राम पंचायती चुनाव आ रहा है, उसमें भी 1% सरकार तो कह रही है लेकिन पंचायत स्तर पर 1% भी लाभ हमको नहीं मिल रहा है, जिसके तहत जैसे मान लीजिए कि हमें 800
865 मुखिया होना चाहिए हमारे पूरे बिहार में, लेकिन उसमें भी हमको उतना पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए हम सरकार से आह्वान करेंगे कि जनगणना के साथ साथ जो सामाजिक जो आर्थिक व्यवस्था है वहाँ भी सरकार बनेगा। आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मेरी मांग दो तरह की है जी। पहला मांग है कि जो सुरक्षा और संरक्षण के लिए ये राज्य जनजाति आयोग का जो गठन किया जी, गया थोड़ा तेज बोलिए सर। जो राज्य जनजाति आयोग का गठन किया गया उसे सुरक्षा और संरक्षण हमारे समाज को मिल रहा था, पूरे आदिवासी को। लेकिन आज ये 5 बरस हो गए और 5 बरस से यह बंद है और शोभा की वस्तु बनाकर रखी गई है, जो कि कम से कम सैकड़ों अपराध हुए हैं और उसका कोई भी निराकरण नहीं हो रहा। इसलिए सरकार से मेरा मांग है कि राज्य जनजाति आयोग का गठन किया